का इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन एकदम ग्रांड सक्सेस हुआ और मैं भी बहुत खुश हूँ जो यहाँ का डेवलपमेंट हुआ और जो होने जा रहा है सबको विस्तार से लोगों का आगे रखा तो सब ठीक ठाक था। और अभी फिर शाम को फुटबॉल टूर्नामेंट है उसको भी विटनेस करेंगे। फिर शाम को मैं यहाँ का SOD को एक डिनर पार्टी रखा हूँ तो करके आज का दिन ऐसे ही बीतेगा। सर आज देश आज़ाद हुआ था तो आपके तरफ से क्या मैसेज रहेगा? मैसेज ये रहेगा कि हमारा देश में जो आज़ादी का लड़ाई लड़ा है फ्रीडम फाइटर सबको हम लोग श्रद्धांजलि देते हैं। इनका बदौलत आज देश आज़ाद होकर के हमें आज़ाद देश में घूमने आराम से जो हम चाहते हैं उसको कर रहा है। हमको सारा फ्रीडम मिला है। ये सब हमारा फ्रीडम फाइटर का बदौलत हमें मिला है बलिदान देने का बाद। इसलिए मेरा खास जो मैसेज होगा कि हम अपना फ्रीडम फाइटर को श्रद्धांजलि देना है, हर बार उसको याद रखना है। और साथ में हमारा लोगों को ये एक मैसेज देना चाहता हूँ कि हमारा जो डेमोक्रेसी है उसको कायम रहने देना चाहिए। यहाँ में जो पॉलिटिकल पार्टी होगा, जो हमारा कोई दूसरा रिलीजियस पार्टी होगा, ये सब अपना डेमोक्रेसी में चलेगा, लेकिन उसको हमारा देश का जो हित में काम होगा उसमें मिक्सअप नहीं करके हम देश को एक अलग से एक देश जो है हमारा सबसे प्राथमिकता है ये रख करके हमको चलना है। ओके okay. अगला चुनाव तो अभी हमारा यहाँ लिकावली का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है और यहाँ तो अपोजिशन कोई है नहीं। जो कांग्रेस से लड़ा था कैंडिडेट मेरा पास आकर के मुझे समर्थन दे करके काम कर रहा है और सर ने भी बोला है कि मैं MLA बन करके जिस काम को करना था उसी का कर रहा है तो मुझे और MLA बनने का कोई आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ कोई NPP है नहीं, यहाँ आपका कोई PPA पार्टी नहीं है, कोई मतलब कांग्रेस नहीं है, या तो एक ही पार्टी है BJP है। तो BJP पार्टी अगर पार्टी का बीच में थोड़ा सा उसमें पूरा अपोजिशन अगेंस्ट, ये तो पार्टी में भी होता है, ये एक लिबर्टी है, डेमोक्रेसी है। तो बाद में जब टिकट आपका वो फाइनल हो जाएगा तो सब लड़ने का कोई मेरे ख्याल से गुंजाइश नहीं किसी को। हम लोग एकदम पंपिंग मेजोरिटी जीतेगा और लॉर्ड शांग का जो लिकावली कॉन्स्टिट्यूएंसी का ये इलेक्शन 24 को लेकर के बहुत मजबूत है भाजपा।